हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे आमिर, आपके साथ। बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है आपका हमारे इस टॉक शो में, नर्चर लाइफ टॉक शो में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही मकबूल शख्सियत, काफी एक दिलचस्प बातचीत होने वाली है हमारी सैयद साहिल आगा साहब से। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी दास्तान गोई, एक्स्ट्रॉर्डिनेर दास्तान गोई आर्टिस्ट हैं। दास्तान गोई ज्यादातर लोगों को मालूम होगी, नहीं मालूम होगी तो अभी आपको मालूम चल जाएगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है और दिल्ली से वास्ता रखते हैं साहिल साहब। और ये ऐसी गाथाएं सुनाते हैं जो न सिर्फ दिल को छू जाती हैं बल्कि जिंदगी में थोड़ा बहुत आपको सोचने पे मजबूर करती हैं, थोड़ा शायद आपको आगे लेकर जाती हैं। 2010 से 2010 में इन्होंने डेब्यू किया था और तब से ये दास्तान गो के तौर पे जो है वो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं। काफी जाने माने शख्सियत हैं ये। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका साहिल आगा साहब, आदाब, शुक्रिया बहुत बहुत। नमस्कार। बहुत सो बहुत सबसे शुक्रिया पहले आपका। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हम हर एक से जानना चाहते हैं कि अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपका सफर यहाँ तक की कैसे आया। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, करम, इनायत के आपने ये मौका दिया एक दास्तान गो के तौर पे कि अपनी दास्तान कुछ कह सकें। अब यूं तो दास्तान गम तवील है बहुत, मगर तुम सुनना चाहो तो मुख्तसर भी है। तो मुख्तसरन ये कि तालीमी सिलसिला मेरा जामिया मिलिया से रहा। मैंने थिएटर किया जिसमें दिल्ली में श्रीराम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के कुछ असातजा के साथ मेरा वक्त गुजरा काफी लंबे अरसे तक, जिसमें अखिलेश खन्ना है खास एक नाम जो NSD के एक्टर डायरेक्टर रहे हैं। फिर उसके बाद में अजय कुमार जी हैं जो मौजूदा वक्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपर्टरी के एक्टर और डायरेक्टर, फिर उनके साथ काम सीखा। तालीम मैंने जैसा अर्ज किया कि मेरी जामिया मिलिया से हुई है, रहने वाला मैं दिल्ली का हूँ और अब पूरी दुनिया हमारा घर है, हमारा वतन है, घूमते हैं, दास्तानें सुनाते हैं। अच्छा, जो लोग वाकिफ नहीं हैं कि दास्तान गोई क्या होती है, ऐसे लोग मिलते होंगे वैसे आपको भी जिनको नहीं मालूम होगा जी दास्तान गोई क्या होती है, तो उनको थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या है। दास्तान गोई 13वीं सदी का फन है, दास्तानें सुनाने का। दास्तानें जो लंबी होती हैं, और हजरत अमीर खुसरो जो दिल्ली के सूफी थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, उनसे एक वाकया है कि जब निजामुद्दीन औलिया बीमार हुए तो हजरत अमीर खुसरो जाते और उनको दास्तान किस्सा चार दरवेश सुनाते। रफ्ता रफ्ता जब निजामुद्दीन औलिया को सेहत मिली तो उन्होंने ये दुआ दी कि तुम्हारा ये फन इसमें बरकत हो, जो इसको सुने उसके दिल को सुकून मिले, बीमार हो तो उसको सेहत मिले, उसको रास्ते की तलाश हो तो उसको रोशनी की तरह ये रास्ता दिखाए। तो वहां से वो सिलसिला शुरू होता है। जब अमीर खुसरो ने दास्तानें भी लिखी, बहुत सारी दास्तानें उन्होंने लिखी, तारीख लिखी उन्होंने, तो जिसको वो लिखते भी थे और सुनाते भी थे। फिर रफ्ता रफ्ता 16वीं सदी के करीब जब हिंदुस्तान में मुगल दौर था, तो मुगलिया सल्तनत क्योंकि फारसी से ज्यादा करीब थी तो फिर एक और फारसी का अंदाज इसमें शामिल हुआ दास्तान गोई में, और फिर लोग सुनाते रहे। लेकिन ये अब ये आके किसी तस्कीन से पाबिंदा नहीं, मैंने रफ्ता से ये जाना है कि आइंदा नहीं। तो जो आज है वो कल नहीं होता, जो कल है वो शायद परसों ना हो। तो बकिया फनून की तरह बहुत सारे फन थे ऐसे हिंदुस्तान में जो खत्म हो गए, ऐसी लोक कलाएं, फोक आर्ट, परंपराएं, रीति रिवाज, गीत संगीत, उसी तरह से दास्तान गोई की भी अलग वजूहत थी। तो धीरे धीरे ये भी 2009 1923 आते आते मीर बाकर अली देहलवी, जिनको कहते हैं कि दिल्ली के आखिरी दास्तान गो दीवाने, और उनके साथ ये फन अपनी मौत तक पहुंचा। उससे पहले भी हुकूमती सतह पे जब हिंदुस्तान जन्नत निशान में फिरंगी आए थे, अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी दास्तान सुनाने वालों पे। दास्तान गोई कहानियां सुनाने की जो एक खास फन है,
जिसके अंदर ज्यादातर आपकी तारीख यानी कि इतिहास हिस्ट्री सुनाई जाती थी। और वो बताते थे कि भाई वही तो सुनाते थे कि तुम्हारे पुरखे क्या थे, कौन बाबा थे, अजदाद थे, और अभी ये अंग्रेज ये फिरंगी तुम्हारे ऊपर चढ़े चले आते हैं। तो दास्तान गोई पे हुकूमत की तरफ से भी पाबंदी लगी और उनसे कहा गया कि तुम अपना इतिहास और अपनी तारीख ना सुनाओ। जब ये बहुत ज्यादा दास्तान वाले रोए पीटे और कत्ल किया गया इनको बाकायदा दिल्ली में और कानपुर में, तारीख है पूरी। तो अंग्रेज ने कहा कि तुम सिर्फ इतना करो कि ये चिड़ियों की, बुलबुलों की और जादूगरों की, ये जन्नत मतलब वो हेवन जैसी ये कहानियां, कहानियां स्वर्ग थी। लोग, स्वर्ग लोग जैसी कहानियां, वो कहानियां सुना लो तुम, बाकी लोगों को और मत सुनाओ। तो फिर वो बेचारे दास्तान सुनाने वाले जादूगरों की खाली कहानियां सुनाते रहे अरसे तक। हालांकि उन्होंने, अंग्रेजों ने सिर्फ इस फन पे पाबंदी नहीं लगाई थी, हर किस्म का ऐसा फन जिसमें कोई एक आदमी बोले और भीड़ जमा हो जाए उसको सुनने के लिए। तो उनको हमेशा ही लगता था कि कोई हमारी मुखालफत तो नहीं हो रही, कोई हमारे खिलाफ बात तो नहीं हो रही, तो ऐसी हर गैदरिंग पे पाबंदी लगा दी थी। तो रफ्ता रफ्ता दास्तान को कत्ल भी होते रहे, खत्म भी होते रहे, मरते भी रहे, ये फन भी खत्म होता रहा और फिर बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन हजार लिख दे कोई शिकस्त, जर्रे जर्रे पर शिकस्त का भी एक मकाम होता है। तो वो कितनी भी खत्म हो जाए फिर उसका एक मकाम होता है कि दाने को आपने मिट्टी में मिला दिया है सोच के कि अब ये खत्म हो गया, नहीं दिखेगा, लेकिन वो अपनी नई जिंदगी लेके आता है जब बाहर आती है। तो फिर बाहर लौटनी और कुछ दीवाने फिर उठे कि चलो कुछ कहानियां सुनाए कुछ। तो 13वीं सदी की खास तौर से ये उर्दू का फन है, उर्दू में जो कहानियां सुनाई जाती हैं उसका नाम दास्तान गोई है, उसको हम दास्तान गोई कहते बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको हाँ, जैसे अब सारी फोक आर्ट्स हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, तो दास्तान गोई का भी अपना एक डिफरेंट तरीका है, नहीं, उसको सुनाए जाने का। जी। तरीका बिल्कुल अलग है कहानियां सुनाने की। तो बहुत सारी आर्ट फॉर्म है हमारे यहाँ, जैसे दास्तान गोई है, किस्सा गोई है, चित्रपट कथा है एक सुनाने का, पढ़ंत है जिसको हम कहते हैं, नॉवेल रीडिंग है, ड्रामेटिक रीडिंग है, इस तरह से बहुत सारी कथा वाचन है, बहुत सारी पांडुनी है, जो अलग अलग अंदाज है। दास्तान गोई का अपना एक अंदाज है क्योंकि ये आर्ट फॉर्म है। तो पहली चीज है कि इसके अंदर जुबान जो इस्तेमाल होती है वो उर्दू है। उर्दू में कहानियां सुनाने की एक आर्ट फॉर्म किस्सा गोई भी है, लेकिन किस्सा गोई 19वीं सदी की है। तो दास्तान गोई में हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि 19वीं सदी की जबान तो ये है जो हम और आप बोल रहे हैं, उसमें थोड़ा कोशिश करते बिल्कुल हैं कि थोड़ा उर्दू, थोड़ी फारसी उस तरह से रखें। लिबास जो पहना जाता है, हर 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 आर्ट फॉर्म का एक लिबास है। तो दास्तान गोई में कोशिश करते हैं कि 13वीं सदी का जो लिबास है उसको पहने, या लोग जो 16वीं सदी का अंदाज अपनाते हैं दास्तान गोई में वो उसको पहनते हैं जो लखनऊ का अंगरखा है। तो अंगरखा है। जी फिर तीसरी चीज ये है कि दास्तान गोई बैठ के होती है, क्योंकि दरबारी एक चीज थी, एक अंदाज था। तो दास्तान गोई बैठ के सुनाई जाती है, किस्सा गोई थोड़ा चल फिर के होती है, कथावाचन का अपना अंदाज है, पढ़न का अपना। तो उसको बैठ के सुनाया जाता है दास्तान गोई को। दास्तान गोई के अंदर थोड़ी सी आपको पोइट्री जरूर मिलेगी, शायरी उसके अंदर जरूर होगी। तो बोलने के एतबार से उर्दू है, एक जुबान है, लिबास के एतबार से एक अलग लिबास है जो बाकी से अलग करता है, और आप बैठ के सुनाते हैं, और एक हद है, एक पाबंदी है कि आप उसी दायरे में रहेंगे और आप वहीं से परफॉर्म करेंगे। दास्तान सुनाने वाला अपनी आवाज से किरदारों को जिंदा करता है। अगर पांच किरदार हैं तो वो पांच किरदार आपको बन के दिखा देगा स्टेज के ऊपर। वो के बिल्कुल जो दूसरी फॉर्म है 16वीं सदी की, उसमें जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें शायरी और पोइट्री और वो इतनी बंधी भी होती है कि उनकी जरूरत नहीं होती। लेकिन दास्तान गोई की एक शर्त में से है कि आप उन किरदारों को अदा करें। तो ये इसको बाकी और जो कहानियां सुनाने के फन है, अंदाज है, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। अच्छा, तो आप कैसे, मतलब आप थिएटर सीख रहे थे, ड्रामेटिक्स में थे, तो इसमें दास्तान गो बनने का कैसे ख्याल आपके दिमाग में? ये बड़ा दिलचस्प एक बात है, हम कैसे यहाँ तक आ गए। पहली एक बात तो मैं आपको बताऊं कि इंसान अगर किसी शख्स दूसरे जेंडर के साथ में वो रह रहा है और उसे उससे मोहब्बत हो गई, फिर उसने उससे शादी कर ली, अब अरसे में जाके,
बहुत अरसे तक साथ में काम कर रहे थे, तो एक तो ये एक पिन पॉइंट करना कि इस लम्हे में मुझे इससे मोहब्बत हुई, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो एक होते 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 होती है, वो अफसानों में ही होती है, एक नजरी मोहब्बत के बस देखा तो हाय। तो मेरे साथ यूं हुआ कि मैं थिएटर वगैरह कर रहा था, और हमारे कॉलेज में जब हम थे जामिया में, तब जी हमें एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दी गई और कहा कि ये कहानी सुनाओ, ये सब्जेक्ट में जो थी कि आप इसको प्रेजेंट कीजिए। तो हमने वो कहानी सुनाई स्पेन के फातह अब्दुल रहमान की, और वो बिल्कुल ही दास्तान के अंदाज में सुनाई। तो जो मेरे असातजा थे, उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा कि नहायत ही बकवास, एकदम वाहियात, और इतना हमने बेकार प्रेजेंटेशन नहीं सुनी आज तक, मतलब ये था क्या जो आप सुना रहे थे, आप कहानी सुना रहे थे या आप प्रेजेंट। तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। तो जब हम क्लास से बाहर निकले, तो कुछ साथी जो साथ के पढ़ने वाले थे, जो पूरी तरह नहीं सुन पाए थे या देर में आए, तो उन्होंने मुझे पकड़ा और कहा कि भाई वो सुनाओ, वो क्या था यार, बड़ा मजा आ रहा था उसको सुनने में। तो वहां पे मुझे एक बात याद आई, जब अमीर खुसरो के दोस्त थे, अमीर खुसरो जिन्होंने रेख्ता जबान को ईजाद किया, कवाली उन्हीं की ईजाद है, रेख्ता जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, और सितार भी उन्हीं की ईजाद है, तबला उन्हीं की ईजाद है, अमीर खुसरो की दिल्ली की तारीख लिखी है उन्होंने। तो उन्होंने बचपन में जो शायरी की, और उनका जो पहला दीवान, उनके एक दोस्त ताजुद्दीन बाबर, उन्होंने उनकी वो सारी शायरी जमा करी और उसको शाया करवा दिया, अब कविताओं का संग्रह जिसको हम कहेंगे दीवान उनका। तो अमीर खुसरो को पता चला, मतलब उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये क्या किया, ये तो सब बचपन की बातें हैं, टिटोलियां हैं, मजाक है, लोग पढ़ेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। तो उनके दोस्त ताजुद्दीन बाबर ने कहा मियाँ, दो किस्म के लोग होते हैं, एक अकलमंद और दूसरे बेवकूफ। अकलमंद तुम्हारी अगर इस कोशिश को देखेंगे, तो तुम्हारी उम्र और तुम्हारे काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे जज्बे को सराहेंगे, और बेवकूफ, बेवकूफ तुम यहाँ हर बात में कमी निकालते हैं तुम उनकी बातों में कहाँ आते हो कि बेवकूफ से डरना अपने आप में बेवकूफी है। तुम इस दीवान को शाया हो जाने दो, देखो दुनिया कैसे सर माथे पे सजाती है। और फिर हुआ यही, दिल्ली के बादशाह ने उनको बुलाया, और बुला के उनको दरबारी शायर मुकर्रर किया, कैकाबाद उस दौर में दिल्ली का बादशाह था। तो उसके बाद वो दरबारी शायर है, दिल्ली में बादशाह बदलते रहे, लेकिन खुसरो हमेशा दरबारी शायर है। अब हमारे साथ ये सिलसिला फिर यहां से आगे बढ़ा, कि जब दोस्तों को सुनाया तो तसल्ली मिली जो ताजुद्दीन बाबर ने हजरत अमीर खुसरो को दी थी। फिर हमारे यहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक कंपटीशन रखा जिसका उन्वान था कुछ ऐसी स्पोकन हिस्ट्री करके, मुझे अभी याद नहीं, स्पीकिंग हिस्ट्री, मतलब वो ये था कि आप दिल्ली की जो कदीम इमारतें हैं उनकी कहानी सुनाएं जैसे वो खुद तारीख बोल रही हो, वो विकिपीडिया ना पढ़िए आप। तो वो कंपटीशन था, हम गए, हमने सुनाया, तो 5 मिनट का उसमें वक्त था, फिर तो उसमें ये था कि हम एक बेल कर देंगे तो आप 2 मिनट में अपना खत्म कर दीजिएगा। तो इत्तफाक ये हुआ कि डरते डरते पहुंचे थे, मतलब इतना सुन चुके थे बाकी जो साथ बकवास है ये वो, तो आखिरी नंबर था मेरा। मैंने कहा कि आखिर में सुनाऊंगा ताकि लोग थक चुके हों और मैं सुनाऊं और जाऊं। तो हुआ ये, मैं सुना रहा था दिल्ली की इमारत की कहानी, इमारतों की कदीम, तो मुझे लगा कि बहुत देर हो गई, मतलब जितना मेरा था मैं सुना चुका हूँ, क्या हुआ। तो मैंने इशारे से जो थे बैठे हुए जज साहिबान वहां पे, उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे बता दीजिएगा मेरे पास कितना वक्त है। तो उन्होंने खड़े होके कहा कि वक्त तो आपका बहुत देर पहले पूरा हो गया, आप 20 मिनट पार कर चुके हैं, लेकिन हमने बेल ओहो इसलिए नहीं करी कि जो फैसला करना था वो तो हमने कर लिया है, आप बोल अच्छा रहे हैं तो हमें सुनना अच्छा लग रहा है, इसलिए आप सुनाइए। मैंने कहा मैं जल्दी खत्म करता हूँ। नहीं, आप पूरा सुनाइए, आप जितना सुनाना चाहते हैं आप सुनाइए। तो उस इनाम के बाद में, या उसको हमने जब जीता, तो फिर एक खुशी हुई उसको जीतने की। और फिर जिन मेरे असातजा ने, जिन उस्तादों ने कहा था उस दिन क्लास में, तीन थे वो, तो जब हमारा फेयरवेल आया तब उन्होंने कहा कि वो स्पेन की फतेह का वो वाला तुम फेयरवेल में सुनाओ। तो मैंने कहा उस्ताद वो मतलब क्या हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो तुमने जिस जगह वो सुनाया था वो जगह उसकी नहीं थी, वो अब जो मौका आ रहा है वो है उस जगह का, तुम उसको फेयरवेल में सुनाओ। तो उससे मुझे एक किस्सा हमेशा याद आता है कि एक बादशाह था, उसका दरबार था, तो
ज्योतिषी को बुलाया गया, भाई ज्योतिषी को बुलाओ और वो जरा हमारा हाल वाल देखे और बताए। तो ज्योतिषी आया, ज्योतिषी ने देखा, ज्योतिषी ने कहा जी ऐसा है कि सिर्फ राजकुमार बचेंगे, आपकी सारी रानियां मर जाएंगी, सारी बहनें मर जाएंगी, भाई मर जाएंगे आपके सामने, और ये लोग मर जाएंगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा ये कैसा हाल बता रहा है मेरा, तो एक काम करो पहले इसी को मारो, इसे फांसी की सजा दे दो। तो उसको ले जाकर उसको कैद में रखा राजा ने। तो दूसरा बुलाया गया कि भाई दूसरा बुलाओ, मसला क्या है आखिर, ये हल तो करें। तो जो दूसरा आया उसने देखा, सब उनकी जंत्रियां तंत्रियां देख के कहा कि जी ऐसा है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक राजकुमार बचेगा, बाकी सारी राजकुमारियां राजकुमार मर जाएंगे और सब रानियां पटरानियां मर जाएंगी, और आपके जितने दरबारी अभी आपके सामने बैठे हैं ये भी मर जाएंगे, एक आप रहेंगे। राजा कहते तो और प्रतिकोप आया, भाई इसको भी जेल में डालो, इसे भी फांसी की सजा देना। और तीसरा बुलाओ, अब तीसरा आया, उसने देखी जंत्रियां तंत्रियां, उसने कहा जी ऐसा है राजा साहब, इसलिए वो दो ने कहा तो सही है, सब मर जाएंगे, राजकुमारियां पटरानियां और बीवियां आपकी और ये दरबारी, आपको भगवान इतनी सेहत और इतनी लंबी उम्र दी है उसने कि आपके सामने सब खत्म हो जाएंगे, आप सलामत रहेंगे, आपका दरबार रहेगा, राजपाट रहेगा, ये यूं ही चमकता दमकता रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपकी उम्र इतनी लंबी है राजा साहब। राजा बड़ा खुश हुआ, कहीं ये इसने बात सही कही है। उसने कहा जी ठीक है, इसको भी नाम दो, जो बाकी दो बंदे उन्हें भी छोड़ दो। तो दुनिया में हर बात सुनी जाती है, दुनिया में हर बात सुनी जाती है, बस सुनाने का सलीका चाहिए। तो फिर वहां पे हमें ये समझ में आया कि भाई कौन सी बात कहाँ कैसे, तो वहां से फिर सिलसिला हमारी दास्तान सुनाने का शुरू हुआ। हम दास्तान सुनाते रहे, लोग सुनते रहे, अब सुनाते सुनाते पता नहीं कब हम दास्तान गो बन गए। एक दो जगह गए, लोगों ने कहा आप क्या फीस लेंगे, हमने कहा भाई ये बड़ी अच्छी बात है कि कहानियां सुनाने की भी फीस मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात। इश्क बुता के ढोल से नफरत तो थी मगर, इश्क बुता के ढोल से नफरत तो थी मगर, जब वो पड़ गया गले तो बजाना ही पड़ा। तो जब लोग कहने लगे कि सुनाओ सुनाओ, तो हम सुनाने लगे। तो एक वजह ये जो मैंने आपको बताई, खालिश किसी से मोहब्बत की सिर्फ एक वजह नहीं होती, अगर मुझे इस फन से मोहब्बत है, मतलब कोई आदमी ये कहेगा भाई तुम्हारे गाल पे तिल है तो हमें तुमसे मोहब्बत हो गई, तो पूछोगे दो तिल वाली मिल जाती तो फिर उससे मोहब्बत करने लगते तुम, तो ज्यादा एक हो वजह जाती। नहीं होती। ये एक बात है उन बातों में से कि मुझे इस फन से मोहब्बत हुई, वजह और भी है मोहब्बत की, तुझसे कभी फुर्सत में मिल शाम तक हम तुझे सुनाएंगे, और तो ये वाली बात है। बात है, आपसे बात करके लग रहा है कि आप बिल्कुल इस फन के लिए बिल्कुल, जैसे आपको ऊपर से जो है बिल्कुल ट्रेन करके तैयार करके भेजा गया है, अल्लाह नवाजिश ने आपको बख्शा है नवाजिश इस फन को। तो ये बताइए, वैसे तो दास्तान गोई में उमूमन दो लोग होते हैं, लेकिन आपके बारे में मशहूर है कि आप अकेले ही जी प्रेजेंट करते हैं, जी तो इसके पीछे क्या वजह है? भाई साथ में कोई मिला नहीं उस दूसरा। इसकी वजह यह है कि जो रिवायती अंदाज है दास्तानें सुनाने का, वो अकेले ही सुनाने का है, क्योंकि अच्छा। दास्तानें कभी भी याद करके लफ्ज ब लफ्ज नहीं सुनाई जाती। दास्तानों का जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, वो स्ट्रक्चर दास्तान सुनाने वाले को मालूम हो कि ये सीन है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और वो वहीं बैठ के कहानियां बुनता रहता है, बनाता रहता है, सुनने वालों के हिसाब से उसको कम ज्यादा करता रहता है। तो अगर साथ में कोई दूसरा बैठा है तो वो फिर फंस जाएगा कि ये पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं दास्तान को। तो रिवायती अंदाज में एक ही सुनाता था। मेरा रशिया में शो हुआ तो हमारे साथ में और भी कुछ आर्टिस्ट थे, तो उसमें से एक ने सुनी मेरी दास्तान के राजा ने जंग जीती और जीत के वो जा रहे हैं अपने नगर की तरफ। रात का वक्त था, एक जगह कयाम किया रात, तो पत्थर के पीछे से किसी दुश्मन के संतरी ने अस्करी ने देखा और तीर चलाया, राजा मर गया। तो ये कहानी थी, लंबा सीन था ये रात का, इसमें जश्न वगैरह होता है। तो जब मैं रशिया में दूसरी जगह सुना रहा था तो एक और आर्टिस्ट हमारे आए, और जब ये वाला सीन आया तो जिन साहब ने सुना हुआ था पहले से, तो उन्होंने कहा बाहर चलते हैं कॉफी वगैरह पी के आते हैं, ये बहुत लंबा सीन है, इसमें होगा ये कि एक तीर चलाने वाला आएगा और राजा मर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई सुनने दो, मजा आ रहा है, थोड़ी सुनने दो तुम। अब उसमें हुआ क्या कि कोई वो नहीं आया तीर चलाने वाला, तो इसमें एक
जादूगर उधर से गुजर रहा था, तो वो रुका और उसने कहा कि जी मैं जादू वादू दिखाता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है दिखाओ जादू। तो उसने जादू वादू चलाया उसने, और आखिर में जो उसने जादू किया तो उसने कहा देखो जी सब सो जाएंगे इससे, ये जादू ऐसा है। राजा ने कहा अच्छा ऐसा है तो दिखाओ। तो उसने जादू चलाया तो सब सो गए, वो वहां से चला गया, तो सब तो उठे लेकिन राजा फिर नॉट था, तो राजा मर गया। तो अब जब तीसरी जगह मेरा शो था तो वो दोनों आए, उन्होंने आके कहा कि भाई ये बताइए आपका वो राजा मरता कैसे है। दरअसल इन्होंने तो कहा तीर मारेगा कुछ, इन्होंने कहा तो अब आपने सुनाया जादूगर, मैंने कहा देखो राजा आज मरेगा आ जाओ तुम सुनने। तो मेरा तीसरा शो था, उसमें मतलब रात गुजर गई कोई नहीं आया, किसी ने जहर नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, राजा आराम से जश्न हुआ, सब कुछ हुआ, वो अपने महल पहुंच गए, उनका राज्य अभिषेक हुआ, वो आके अपने बिस्तर पे लेटे, रानी से मिले, पटरानी से मिले, सारा खजाने का हिसाब किताब हुआ, और वो आके बिस्तर पे जैसे लेटे तो खादिमा ने लाके दूध दिया, दूध पिया और राजा साहब मर गए। मर गए। अब दास्तान में होना यह है कि सुबह होने से पहले राजा को मरना है, तो उसको हर बार अलग तरीके से मारिए ताकि सुनने वालों को मजा आए। तो दास्तानें इसलिए क्रिएट की जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ हबीब तनवीर साहब थे थिएटर के लेजेंड, वो भी इस चीज को फॉलो करते थे पैटर्न को, कि वो कभी भी आर्टिस्टों को डायलॉग्स लिख के नहीं देते थे, वो कहते थे जी कि सीन ये है कि यहाँ से ये होना है, तो जो उनके आर्टिस्ट थे वो खुद ही डायलॉग अपने बनाते थे उस हिसाब से, ताकि वो नेचुरल लगे। और जब आप कोई बात बिल्कुल कह रहे होते हैं तो वो फिर दिल से निकलती है और दिल तक जाती है, आप याद करके अगर बोलेंगे तो उसको सामने वाले को लगेगा कि भाई कुछ जहन से हो रहा है, लेकिन दिल से जो निकलती है बात वो असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है। तो मैं इसलिए क्या सोलो बात। सुनाता हूँ कि वो एक पुराना जो ट्रेडिशन है जिसमें, और इसलिए मेरी दास्तानें सुनने वाले बोर नहीं होते, आपने एक बार सुनिए आप दोबारा आएंगे, आपको वही दास्तान कुछ और अंदाज से मिलेगी, कुछ और रंग मिलेंगे, कुछ और कलियां उसके अंदर, फूल उसके अंदर सजे हुए होंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो रिवायती अंदाज है उसको कर सकूं, हालांकि वो मुश्किल है। मैं इसमें एक बात और वाजे कर दूं, 13वीं सदी 16वीं सदी का जो दास्तानगोई का अंदाज है, जो पर्शनाइज जिसको हम स्टाइल कहते हैं, क्योंकि उसमें पोइट्री बहुत होती है और वो बहुत बंधी हुई दास्तानें होती हैं, स्क्रिप्ट बेस्ड होती हैं, वो याद करके सुनाने पड़ती हैं, और अक्सर हमारे यहाँ दास्तान सुनाने वाले वही सुनाते हैं अंदाज से, तो उसको लफ्ज ब लफ्ज याद करना जरूरी होता है, क्योंकि पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उसको बिगाड़ दें, भूल जाएं, तो वो स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो वो दास्तानें जब मुगलों का दौर था, तो जब शायरी का चर्चा हुआ तो ये हुआ कि भाई इसमें दास्तान में शायरी भी हो। मैं अरब गया, यांबो दुनिया का सबसे पुराना ओरल स्टोरी टेलिंग का एक उनकी तारीख है, वहां मैंने देखा दास्तान सुनाने वाले दास्तान वहीं बना रहे हैं, वहीं सुना रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर तो नहीं याद है बहरहाल, और वो ऐसे ही शेर बना बना के बना, और ऐसे उमदा शेर वो बुनते चले जाते हैं बनाते, तो उनको इतनी महारत है कि वो शायरी भी हाथों हाथ करते रहते हैं। तो जो क्या बात। फारसी आमेज अंदाज है 16वीं सदी का, उसमें लाजमी तौर पर आपको याद करके सुनाना पड़ेगा। मैं इसलिए अकेला ही सुनाता हूँ क्योंकि इस तरह से सुनाता हूँ, तो कोई अगर ऐसा मिल गया मेरी तरह तो जरूर फिर हम फिर दो भी करेंगे साथ में। क्या बात। नहीं वो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल लॉजिकल है। अभी जैसे आपने एक्सप्लेन किया ये बिल्कुल लॉजिकल है, और मेरे ख्याल से ये अच्छा भी है कि आपको मालूम है कि होना क्या है वो जी इम्पोर्टेंट है। बीच की कहानी तो आपके हिसाब से जो माहौल है, जिस तरह का उस वक्त मूड है, जो मन है, उसके हिसाब से आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लें, लोगों के हिसाब से ऊपर जी नीचे कर लें। ये जी बहुत सुनने वालों के हिसाब से पुरानी दास्तान गोई में होता था, तो अभी हम कोशिश करते हैं कि जब हम सुना रहे होते हैं तो वो लोगों को ना चखाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। ये जैसे मैं MIT हापुड़ में सुना रहा था, तो मीर की दास्तान उन्होंने मुझसे कहा कि जी सुनाया आप, तो मैं मीर की सुना रहा था, बच्चे सुन रहे थे बैठे, कॉलेज के बच्चों को मीर तकी मीर, मतलब अब वो खुदाए सुखन उनको कहाँ ही इतना समझ में आएगा। तो मैंने उधर फिर थोड़ा सा घुमाया, मीर की जो मोहब्बत वाली जो शायरी थी, कितने वो जो था कि वो पंखुड़ी है गुलाब की सी है, तो नाजुकी उनके लबों क्या के, तो वो जब मैंने थोड़ा उधर लेके गया मैं, तो बच्चों की आंखें वहां के खुल गई, उन्होंने कहा अच्छा मीर ने ऐसा भी कुछ कहा है, और मोहब्बत चांद और महबूबा चांद पर रहती है और उसे रोज शाम को देखो, तो वो उस टाइम उसमें शामिल नहीं था, वो बड़े लिटरेरी सी मैंने बनाई थी, लेकिन बच्चे सब खुश एकदम, वो चीखम खुश हो चाखे और तालियां वालियां, तो उसको
सुनाने वालों के हिसाब से लेके चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ इसमें नाट्य शास्त्र में है कि मतलब जो अदाकार है उसका मतलब यही नहीं है कि वो खुद ही अपने रस का मजा लेता रहे, खुद ही उसमें खो जाए। तो जब आप प्रस्तुति दे रहे हैं तो जो आपके श्रोता हैं उन तक वो रस पहुंचने चाहिए, क्योंकि प्रस्तुति का मतलब ये कि आप श्रोताओं के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। तो ये नहीं कि मैं, मुझे याद है दास्तान बड़ी अच्छी है, बड़ी लिटरेरी है, रोज तुम्हें समझ नहीं आ रही। नहीं तो फिर आपकी गलती, आपको सुनाने में चाहिए जो उनको समझ में आए। तो अब जो बिल्कुल सुना रहा है एक आदमी है तो उसको मालूम है मुझे कहाँ लेके जाना है, तो दो लोग होते हैं तो फिर यहाँ पे फंस जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने दो चार नाम, विक्रम बेताल, दोलकनामा, इनकी वजह से आपको काफी एक्लेम मिला है। भाई देखिए, बात ये बात बड़ी पॉलिटिकल सी है। असल में बात क्या है कि तुगलकनामा के साथ में सहूलत ये है कि पहले इसका बताऊं आपको, जो विक्रम बेताल, तो उसमें क्या है कि वो एक कहानी सुनाता है और दूसरा उसका जवाब बताता है। तो अब आपकी बिल्कुल कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कहानी हाँ हो, के हाँ बताओ मेरे विक्रम के राजा ने जो नोटबंदी लगाई और जनता सड़कों पे आई, तो उसका क्या अंजाम होगा? क्या राजा का उदय होगा या यहीं पे सूर्य अस्त हो जाएगा? तो अब राजा कौन है, किसकी कहानी वो सुना रहा है, बेताल लोग खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं, और हम तो विक्रम बेताल की कहानी सुना रहे हैं। और वह इस तरह से ही वो सवाल जवाब करता है, वो सवाल जवाब जनता से होते हैं वहां पे, कि भाई अच्छा हाँ आप बताइए नोटबंदी होगी आपको क्या बिल्कुल लगता है, अच्छा उज्ज्वला योजना राजा ने लाया है तो बताइए सिलेंडर आया कि नहीं आया। नहीं वो बेताल बताना है ना उसको, तो मशवरा तो दीजिए। तो वो इसलिए लोगों को बड़ा पसंद आई, अब तो नहीं सुना रहा हूँ खैर कुछ टाइम से, तो वो लोगों को इसलिए शायद पसंद आई। उसी तरह से वो तुगलक नामा है, तुगलक नामा तो दिल्ली का बादशाह था, तुगलक था, तो उसकी कहानी सुनाते हैं कि और फिर दिल्ली पे जब राजा आया, नाम उसका तुगलक, और उसने सबसे पहले एक लिबास सिलवाया जिसमें सोने के थे धागे और लिखा था उसका नाम, कि तभी दरबार में हरकारा आया और उसने फरमाया, हुजूर ये रियाया त्राई त्राई चिल्लाती है, ये कहती है वो जो था अच्छे दिन का वादा वो कब आएंगे। राजा ने कहा हमने सिलवाया है सोने का, हमने सिलवाया है सूट जिसमें है सोने के धागे, लिखा है हमारा नाम, लो आ तो गए अच्छे दिन, अब और क्या करें हम काम। तो बोला बोला हुजूर ये ऐसे ना मानेंगे, इनको राग कोई और सुनाया जाए, उसकी सुरती में इनको उलझाया जाए। तो राजा ने कहा एक कहा है हमारा महामंत्री, नाम तो उसका शाह है, बनता वो बादशाह है, उसे बुलाओ के वो कोई मशवरा देगा। तो महामंत्री आए और उन्होंने आके कहा हुजूर ये लोग आपस में बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, अमन से रहते हैं, क्यों ना एक लव जिहाद की दास्तान सुनाते हैं। तो लो मिया मोहब्बत करने वालों को लव जिहाद का एक फसाना सुनाया गया, और उसमें फिर ऐसा उलझाया गया, ऐसा उलझाया गया कि भूल गए सब अच्छे दिन, कि अब कहते हैं वो राजा कि राम राजा आएगा। तुम कैसी हो जनता जो बात बात पे दुखी हो जाती हो? मैं कहता हूं राजा जी गारत करो इस जनता को जो बादशाह के नाम पे दाग लगाती है, त्राही त्राही चिल्लाती है, इसको दिखता नहीं ये रोता है नौकरी को मांगता है रोटी, अच्छे दिन आने वाले हैं, राम राज आने वाला है, सुख से बैठो बंसी बजाओ माला जपो उस राम की, के क्या हो हे राम हे राम हे राम ओम शांति। तो शायद लोगों को तुगलक ओके नामा इसलिए पसंद आता है। तो इसके अलावा भी आपने जो है वो काफी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, अमीर खुसरो के बारे में तो खैर आपने इतना बार बोला ही, महात्मा गांधी है, पार्टीशन हुआ जो है हिंदुस्तान का उसके ऊपर, तो आपने खुद से भी तमाम सारे जो दास्तानें हैं वो खुद से भी तैयार करी हैं, खुद से भी लिखी हैं, जैसे कि आप सुना रहे थे अभी, तो वो भी आप ही की लिखी हुई है। जाहिर है कि वो पुरानी कोई एक
कहानी नहीं चली आ रही। नहीं, मैंने वो देखिए, तो मैं जो आपको अभी सुना रहा था, मैं आपको बता दूं, तुगलक दिल्ली का एक बादशाह था, 13वीं सदी की बात है, हाँ उसको मरे हुए जमाना हो गया। तुगलक की कहानी मैं आपको सुना रहा, तो आप कुछ और ना समझिएगा। उसके अलावा आपने जाहिर है कि आप लिखने में भी इसका मतलब काफी हुनरमंद है कि जाहिर है कि जब हुनर हुनर का तो दास्ताने देखिए यहाँ मैं आपका पता नहीं, लेकिन हाँ लिखते जरूर है, मैं अपनी दास्तानें खुद ही लिखता हूँ। उसकी वजह ये है, मेरी कमजोरी का, मुझे दूसरों की लिखी हुई याद नहीं हो पाती, अपनी ही लिखता हूँ बेसिकली। तो मैं लिखता ही था, सुनाना था तो हमने बाद में शुरू किया। मेरे वालिद जर्नलिस्ट हैं, तो बचपन से उनको लिखते हुए देखा। मेरी वालिदा जो है वो कॉलमिस्ट हैं, मेरी खाला है निगार अजीम, वो नॉवेलिस्ट हैं, वो अफसाने लिखती हैं, नाना शायर थे मेरे। और मैंने अपने खानदान में बुजुर्गों को देखा, अल्लामा अखलाक हुसैन देहलवी हिस्टोरियन थे, राइटर थे, उन्होंने बहुत चीजें लिखी तकसीम के ऊपर, खास तौर से जो दास्तानें हमने सुनी उन, क्योंकि उन्होंने वो खुद दौर देखा था तकसीम का, और दिल्ली में थे और एक अहमियत रखते थे उस तारीख पे, उस दौर की, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री लिखी। तो उनसे जब हम सुनते थे, आमिर साहब आपको इस बात का बताएं, ये शायद एक बड़ी वजह है मेरी दास्तान गोई में आने की, कि उनके सुनाने में जब वो तकसीम का हाल बताते थे, तो देखिए दो ही नतीजों पे इंसान पहुंचता है, कि एक सबके साथ बुरा हुआ था, वो दौर एक आंधी थी, आग थी, आदमी इसी नतीजे पे पहुंचता है कि देखो फलाने मेरे साथ बुरा किया, अब मेरा वक्त आया, मैं इसके साथ बुरा करके दिखाऊंगा, मैं भी ये करूंगा, मैं इससे ज्यादा करूंगा, वो गुस्सा, वो एग्रेशन। दूसरा ये होता है कि भाई मेरे साथ बुरा हुआ, इनके साथ भी बुरा हुआ था, अब कुछ ऐसा करो ये बुरा कभी किसी के साथ ना हो, कोई ना रोए, किसी आंख में आंसू ना हो, कोई दिल में दर्द ना हो, अब यार अमन से रहो। वो आंधी देख चुके, वो लोगों का मरना जीना, घरों को छोड़ना, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं हासिल हुआ सिवाय तकलीफ के। फिर जब हम रफ्ता रफ्ता अपनी जिंदगी में गामजन हुए और ये देखा कि एक उस किस्म की तारीख, जिसका तारीख तारीख यानी कि हिस्ट्री इतिहास से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बातें जो कहीं आपको मिलेंगी ही नहीं इतिहास के अंदर, तो वो जब सुनाई जाने लगी खुद हमारे साथियों के दरमियान, खुद मिलने वालों के या काम करने वालों, और अक्सर लोग पूछते थे कि भाई ये क्या है जरा बताओ, तब हम खुद अपने आप में झिझलाते थे। तो फिर ये एक एहसास हुआ कि चलो आओ तुम्हें बैठते हैं यार, तुम्हें कुछ सुनाते हैं कि तारीख हमारी क्या थी, क्या थी गंगा यमुना तहजीब। ऐसी मुझे इतनी दास्तानें हैं जो फिर मैंने सुनाई। खिजर खां देवल रानी, खिजर खां दिल्ली का खिलजी शहजादा था, और देवल दी जो थी वो गुजरात की राजकुमारी थी। तो खिजर खां को मोहब्बत हो गई देवल दी से, मैं दो टुकड़े आपको सिर्फ सुनाऊंगा तो पूरी बात उसमें आ जाएगी, मोहब्बत हो गई उनसे। तो इनके जो छोटे भाई थे खिजर खां के, उन्होंने कहा, खिलजी शहजादे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ ये है कि आप जिससे भी शादी करें उसका मजहब तब्दील करें, लिहाजा आपने तो इनसे शादी कर ली है, तो अब आप तो दिल्ली के बादशाह नहीं बनेंगे। तो उसने बगावत करी ये बात कशोर उठा के, मजहब को लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा, वो क्रूसेडर वॉर्स वगैरह, क्रिश्चियंस और यहूदी और इस्लाम, और हमेशा 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 से से इस्तेमाल, तो उन्होंने मजहब को इस्तेमाल किया और वो भाई को पकड़ा और उन्होंने अंधा कर दिया। उसके बाद ये अजहत अमीर खुसरो ने लिखी है ये दास्तान, खिजर खान देवल्ली, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया देवल्ली के साथ में। देवल्ली राजकुमारी थी और बहुत बहुत समझदार जहीन औरत थी। तो अब ये इनको हुआ कि भाई ऐसा है कि भाई को अंधा तो कर दिया, लेकिन भाई की जो आंखें हैं वो तो बीवी है उनकी। तो वो भेजा हुक्मनामा के देवल दी को हमारे हवाले कर दिया जाए, और हमें यकीन है कि इसने आपको बहकाया है और अब हम इसको सजा देंगे। तो खिजर खान ने पूछा कि भाई तुम इसको क्या सजा दोगे? तो कहा जाहिर है, इसको सजा भड़काने की क्या मिलेगी, बगावत की सजा मिलेगी। मौत और उसने की कहा कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगा इसको, मैं तो नहीं जाने दूंगा भाई, ये तो मेरी आंखें, मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है। तो उन्होंने कहा कि भाई पूरा फरमान ये है कि अगर आपने इसको हमें नहीं सौंपा तो आप पे भी वही शाही हुकुम है, आपको भी ना मानने के जुर्म में बागी कहा जाएगा, और बागी की सजा आप जानते हैं क्या है। तो इन्होंने देवल दी को सीने से लगा लिया, उन्होंने कहा कि जो बागी की सजा हो फिर वो हमारी सजा है, मैं देवल दी को अपने जीते जी नहीं दूंगा। तो वो खींचातानी हुई, जल्लाद ने तलवार उठाई और जो काटा, तो
एक झटके में दोनों का सर कट के जमीन पे आ गया। और हजरत अमीर खुसरो लिखते हैं कि दोनों का खून हिंदुस्तान जन्नत निशान की मट्टी में मिलके एक हो गया, और इससे जो फूल खिलेंगे वो तमाम रहते जमानों तक हिंदुस्तान जन्नत निशान में मोहब्बत की निशानी बन के रहेंगे। कि वो मोहब्बत जो दो अलग जिस्मों ने की लेकिन वो एक हो गए, जैसे फूल की खुशबू हमेशा एक होती है और दिलों तक उतर जाती है। तो खुसरो ने इस दास्तान को लिखा, तो मैं लोगों से कहता हूँ यू हैव टू कम एंड यू वॉन्ट टू लिसन कि लव जिहाद होता है क्या है, तुम्हें सुनना है। औरंगजेब को तुम कहते हो बड़ी आसानी से कि औरंगजेब ने शादी करी हिंदू राजकुमारी से, मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं, आप गूगल करके देखिएगा या बीबीसी पे भी है उसकी यह खबर। शादी करी हिंदू राजकुमारी से और राजकुमारी ने गुस्ताखी माफ एक गुलाम से जो जिनके माँ बाप ने उनको बेच दिया था क्योंकि उनके पास में वो रकम नहीं थी, तो वो औरंगजेब की खाला के पास आई और औरंगजेब एक बार औरंगाबाद जा रहे थे तो वहां उन्होंने इनको देखा, इनसे मोहब्बत हुई, इनसे निकाह किया। अब ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि वो गुलाम के तौर पे आई थी। कि अब आप ये देखिए कि औरंगजेब की मोहब्बत क्या थी, कि ये किले की दीवार पे खड़े होकर कुछ निशाने का अंदाजा कर रही थी, तीर चला रही थी, वो तीर इन्होंने चलाया और तीर चूक गया। वहां धोबी बैठा था, धोबन थी, वो कपड़े धो रहे थे दरिया के किनारे, तीर धोबी को लगा और धोबी मर गया। तो उनको लगा था कि कोई शायद कोई हिरन वगैरह कोई जानवर है वहां पे, पेड़ की आड़ थी, शाम का वक्त था, लेकिन वो धोबी था। तो रात को वो धोबन आ गई तीर लेके, और तो आपने सुना होगा कि अकबर ने एक घंटा टंगवाया था, शाही घंटा था जिसको बजाते थे फरियादी, तो वो औरंगजेब के यहाँ भी था, उसने आगे घंटा बजाया। ये इसलिए था कि रियाया सीधी हम तक आ सके, अपनी फरियाद कह सके, वो उलझ ना जाए। तो भाई उसने कहा कि जी ऐसा है कि ये तीर लगाया है और मुझे इंसाफ चाहिए। तो बादशाह ने देखा और देखते ही पहचान गया कि भाई ये तो शाही तीर है। तो शाही तीर कहाँ से आया, दीवार पे से आया। ठीक है तुम सुबह आओ हम इंसाफ करते हैं तुम्हारा। तो ये चली गई। अब सुबह को जब दरबार लगा तो ये आई वहां से, बादशाह ने कहा कि भाई इंसाफ की बात ये है कि ये तीर जो है बेगम साहिबा ने चलाया था, रानी साहिबा ने, इससे तुम्हारा शौहर मर गया, तो ये तीर लो, ये कमान लो। इंसाफ ये है कि इन्होंने तुम्हारे शौहर को मारा और तुम्हारे सामने इनका शौहर हाजिर है, तुम अपना बदला ले लो। तो खैर उसने वो तीर भी रख दिए और वो भी रख दिया। उसने कहा कि नहीं जी मुझे इंसाफ मिल गया, इतना इंसाफ मेरे लिए बहुत है कि आपने इतनी बात कही। उसके बाद मुझे जगह का नाम याद नहीं है, एक कृष्ण मंदिर जो है हमारा बहुत मशहूर, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो एक कृष्ण मंदिर है बहुत मशहूर जहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान में उत्सव होता है। तो औरंगजेब ने बहुत सारे गहने और जेवर कृष्ण मंदिर को दान दिए, जो आज भी जब जन्माष्टमी होती है आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, मुझे नाम याद नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वहीं पे मनाई जाती है। तो आज भी वो जेवर निकाले जाते हैं, कृष्ण की मूर्ति को पहनाए जाते हैं और फिर वापस अंदर रख दिए जाते हैं। ये है हमारा हिंदुस्तान जो मोहब्बतों से बना है, जो गंगा यमुना तहजीब से बना है। अकबर के बारे में तो आपको तारीख मालूम ही है। तो ये बिल्कुल कुछ बेचैनियां थी ऐसी जिन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसा है, अब तुम लोगों को कहो आओ हम दास्तान सुनाएंगे, सुनो तारीख। और वो असर करती है लोगों के ऊपर, लोग खामोशी से जब सुन लेते हैं तो कहते हैं भाई ये हमने सुना दी, आपने जो सुन रखा था उसको जाके देख लीजिएगा, इससे मिला लीजिएगा। हिंदुस्तान इसीलिए जन्नत निशान, क्योंकि यहाँ पे हर रंग के फूल हैं और सब फूल मिलके एक बिल्कुल बाग बने। तो कुछ कांटे भी हैं लेकिन अभी खार ज्यादा और फूल कम। खिजाब और बहार तो खैर बाग का उसूल है, कभी खिजा होती है कभी बहार होती है, तो बहारें हैं। तो ये शायद एक बड़ी वजह थी मेरी दास्तान गोई में आने की, कि लोगों को ये तारीख सुनाऊं, उनको बताऊं। अभी सुनाता हूँ, बेचैन होता हूँ उसके लिए। तो शायद मेरा ही नहीं, हर आर्टिस्ट का जो जिसका पब्लिक से इंटरेक्शन होता है, ये उसका फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है कि हम अगर कहीं जोड़ का सबब नहीं बन सकते तो हम तोड़ का सबब ना बने, हम लोगों को अलग ना करें। तो वो बेचैनी मुझे शायद यहाँ तक लेके आती है और मैं
सुनाता हूँ तो लोग मोहब्बत से सुनते भी हैं, अप्रिशिएट भी। देखिए थाउजेंड मतलब, मैं आपको अगर ऐसे वाक्य सुनाऊंगा तो आमिर भाई एक अलग सेशन चाहिए, जहाँ पे इतने वाकयात हैं, इतने वाकयात हैं। हम गए घूमने के लिए तो वहां पे जो गाइड था उसने पद्मावत को पूरी फिल्म की कहानी हमें सुना डाली उसने, कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वो खिलजी आया, वो उसकी आंखों का दीवाना और जिसका दीवाना। मैंने कहा भाई ये तो जायसी का लिखा हुआ एक अफसाना है, ये कहाँ हकीकत है, तुमने तो सारी सुना दी हमें। नहीं साहब फिल्म बनी है इसके ऊपर, कैसी बातें कर रहे हैं आप, इसमें तो मुकदमा हुआ है, तो फिल्म में कैसे दिखा दिया, ये तो सही है। तो वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सो कॉल्ड, देयर इज थाउजेंड्स ऑफ, मतलब मैं आपको सुनाऊं तो फिर वो और बहुत सारे, बिल्कुल मतलब वो गजनी का किस्सा है और वो मंदिर को तोड़ा और लूटा। तो बट दिक्कत ये है कि लोग हिस्ट्री तक तो नहीं जाते हैं, वो जो इससे सुन लिया उससे सुन लिया वहां तक जाते हैं। और हमारा पैगाम भाई सिर्फ एक ही है कि अमन से रहो, मोहब्बत से रहो। हमें किसी बादशाह की बड़ाई नहीं साबित करनी, बादशाहों ने बहुत जुल्म भी किया। अगर औरंगजेब की मैं बात कर रहा था तो उसने भाइयों को कत्ल भी किया है, वो अलग बात है, जो जिजिया और कर लगाया वो सब पॉलिटिकल चीजें हैं। लेकिन जो किसी ने नहीं किया, कम से कम आप वो तो उसकी तरफ ना जोड़ें, जो उसने किया आप वो बता दें तो हम भी तस्लीम कर लेंगे उस चीज को। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा जाहिर धीरे धीरे पढ़ते खुल नहीं है, लेकिन आपने दास्तान गोई के अलावा भी तो टेलीविजन और फिल्मों में कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, उसमें भी आपने काम किया है। ये मूवीज है परी खाना, सनम खाना, माया और जी पर सलाम नाम की सीरीज है, तो इनसे कैसे आपका जुड़ाव हुआ, इसमें क्या? जी पे दास्तान गोई के नाम, जी सलाम के ऊपर जी दास्तान गोई सलाम के पे नाम दास्तान से। कोई, जी हाँ जी सलाम पे, जी माफ चाहूंगा, जी सलाम पे जी दास्तान कोई के नाम से। नहीं इसका कोई ऐसा मतलब खास नहीं हुआ कि मैं तो दास्तानें सुनाता हूँ। अब जैसे ये माया है तो जननी रे करके हैं दिल्ली में, उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा अच्छी है इस पर तो कुछ ऐसा कुछ बनने चाहिए, कोई सीरीज कोई मूवी। मैंने कहा जी बना लीजिए, दास्तान ले लीजिए मुझसे। तो ये इसी तरह से हुआ है, लोग मिलते रहे चाहते रहे। जी सलाम का भी ये हुआ था कि जी सलाम दास्तान गोई के ऊपर एक एपिसोड करना चाहते थे, तो उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए 10 मिनट का। तो हमने 10 मिनट का उनके उस एपिसोड में जो सुनाया, तो जो उनके डायरेक्टर थे तो उन्होंने कहा भाई ये तो चखा के चले गए और भूख और बढ़ा के चले गए, तो उनसे कहो कि कभी आए। तो हमने कहा आते, तो फिर उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कहा कि करते हैं आप 2 एपिसोड कर दीजिए हमारे यहाँ आके। 50 मिनट का एक एपिसोड था, तो जब 2 किए तो उन्होंने कहा कि यार ये तो सही है, TRP पे ठीक आ रही है इसके ऊपर, तो इनसे कहोगे एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो वो फिर इस तरह से हुआ, फिर हम दास्तानें सुनाते रहे काफी अर्से तक वहां पे। जी सलाम पर उन्होंने पूरी एक सीरीज करी तो बस। लेकिन उनके कुछ कवानीन इस किस्म के थे सख्त, के वो कॉपीराइट के जो मसले होते हैं कि जो हमारे यहाँ सुनाया कहीं और वो, कहीं लेकिन और यूज बारह नहीं कर सकते। हाँ वो, लेकिन ठीक है उनका एक असूल है कि भाई वो मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। तो उसी तरह से फिल्में भी बनी, चाहे सनम खाना हो परी खाना हो, तो उसमें से एक दास्तान जो है वो तवायफों के ऊपर है और किस तरह से उनकी जिंदगियां गुजरती, वो ऐसी है कि मैंने एक आध बार जहाँ सुनाई है तो लोग वहां से उठ नहीं पाते। फिर वो उनका हाल, वो जो है ना जो कहा के दिल से निकलती है बात, वो असर रखती है। तो जावेद अख्तर साहब के साथ मेरा वक्त गुजरा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात इस बारे में बताई थी कि जिस लाइन को लिखते हुए राइटर का दिल पे लग जाए और उसकी आंख में आंसू आ जाए, तो जिस टाइम वो शूट की जा रही होगी उस वक्त भी लोगों को फील होगा, जिस वक्त वो अदाकार उसको पेश कर रहा होगा लोगों को लगेगा, और जिस वक्त वो थिएटर में होगी लोग उसको बैठ के देख रहे होंगे उस वक्त भी उनकी आंख में वो आंसू आएंगे, उनके दिल पे लगेगा। ये बात और है कि करने वालों के एफर्ट्स कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये उसकी सच्चाई है कि जिसको लिखते हुए आपको वो फील हुआ है वो सुनने वाले को जरूर होगा। तो वो तो तवायफों की ऐसी दास्तान है कि इंसान है ना असल में, दरअसल देखिए पेशा तो कोई कुछ करे लेकिन जो इंसान का दिल है, उसकी रूह है, उसके जज्बात हैं, वो तो सब पूरी दुनिया में सबके एक ही हैं, तो लोग उठ नहीं पाते हैं उसके बाद में। एक मेरी तकसीम की दास्तान है, मैं ऐसे ही सुना रहा था दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा आपका प्रोग्राम करते हैं आइए, तो वो प्रोग्राम हुआ, फिर गांधी की दास्तान सुनाई, फिर तकसीम की सुनाई। वो यूट्यूब पे है वीडियो दास्तान तकसीम, और उसमें
जब मैं सुना रहा था तो जो आगे बैठी हुई थी दो तीन खातून, तो वो इतनी जोर जोर से रोने लगी हैं जब दास्तान आखिर में पहुंची, कि वो आवाज मुझ तक आ रही थी। मैं स्टेज पे था और वो ऑडियंस में थी। वो रिकॉर्डिंग में है, वो आवाज आती है, वो जब बाद में मैंने उसको देखा तो वो लोगों के दिलों को छूती है वो चीज। तो वो लिखने में ईमानदारी अगर होगी तो वो लाजमी तौर पर लोगों के दिलों तक पहुंचेगी और लोगों को छूएगी। मैं असल में थोड़ा जज्बाती हो गया और आप सवाल भूल गए। नहीं, हम ये कहने जा रहे थे कि शायद यही जो क्या कहते हैं एक ईमानदारी है अपने हुनर के साथ, अपने फन के साथ और अपनी जबान के साथ, खास तौर से वो फिर नजर आती है और वो इस वक्त आपकी बातों में नजर आ रही है, झलक रही है। शायद हाँ इसी वजह बिल्कुल, से नेशनल म्यूजियम ने आपको ऑनर किया और आपका जो अंगरखा है उसको अपने कलेक्शन में शामिल किया। नवाजिश थी वो यकीनन उनका करम था कि उन्होंने इस लायक समझा मुझे। एक उर्दू का फनकार हूँ मैं, मामूली सा और कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन यकीनन वो मोहब्बत थी। भले कितनी नाराजगियां हुकूमत की तरफ से, लेकिन कुछ काम तो वो गलती से अच्छे कर ही लेते हैं। हाँ वो मेरा लिबास जो है वो दिल्ली नेशनल म्यूजियम का हिस्सा, और फिर उन्होंने उसको नवाजा, हिस्सा बना उनके कलेक्शन का, फिर उन्होंने इज्जत से नवाजा। तो इज्जतें हैं मुझे लगता है शायद इसीलिए कि हमारा जो मकसद है वो बहुत ही साफ है, बहुत ही शफाफ है। कोई भी सुनता है तो वो ये समझ जाता है कि सिर्फ हम दिलों को जोड़ने की बातें कर रहे हैं। भूला हुआ इतिहास, रशिया में मैं था तो वहां पे एक बड़ी बूढ़ी खातून थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है, जो हमारा आई कार्ड है, या जो हमारा हमारे आधार होता है, आधार है, वो हमारा इतिहास है, हमारी तारीख, हमारी हिस्ट्री, हमारा लोक, हमारा फोक, हमारा कल्चर है। दूसरे बहुत अच्छे हैं, हम उनका अपना कल्चर है, हम उनके जैसे अगर हो जाएंगे तो फिर हम वही हो जाएंगे, फिर हम खुद को भूल जाएंगे, फिर हम खुद नहीं रहेंगे, आप में नहीं रहेंगे। तो हमें तो जो हमारी शिनाख्त देता है वो हमारा कल्चर बताता है, हमारा इतिहास। तो हमारी जो कोशिश है, जो दास्तान सुनाने वाले हैं ज्यादातर, वो लोगों को उनका इतिहास सुनाते हैं, उनकी गुजरी हुई तारीख बताते हैं, बताते हैं भाई तुम कहीं रहो, दुनिया के किसी कोने में कोई काम करो, लेकिन खुद को कमतर मत समझो, क्योंकि खास तौर से हिंदुस्तान जनरल निशान की तारीख इतनी अजीम है हर हवाले से। आप दुनियावी एतबार से देखें, सियासी एतबार से देखें, मोहब्बतों के एतबार से देखें, मजहबी एतबार से देखें, तो हमारे यहाँ बुद्ध हैं, राम हैं, गुरु नानक हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं, सूफियों का एक लंबा एक सिलसिला है हिंदुस्तान में। तो दूसरों की अपनी तारीख है, बहुत खूबसूरत है। तो कोशिश यही है कि लोगों को उनकी तारीख, उनके इतिहास से जोड़े। तो शायद यही चीज उन्होंने देखी होगी, अब अल्लाह आलम, वो शायद और बेहतर बताए। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा कुछ था, लेकिन उन्होंने नवाजा तो यकीनन उनकी मोहब्बत है, उसको मैं हमेशा सलाम करता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से जो क्या कहते हैं वही, फिर वही बात है कि जो मैसेज है जो लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं उसका उसका असर होता है। उससे बहुत सारी चीजें जो क्या कहते हैं कि हर चीज के पीछे जो नियत होती है उस नियत को लोग, अगर नियत साफ है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, भले ही वो उस बात से इत्तफाक रखे ना रखे या उनका क्या मानना है क्या नहीं मानना है, लेकिन वो उस चीज की कम से कम इज्जत जरूर करते हैं। ऐसा जी नहीं है जी कोई आदमी की, हो सकता है कि खुद झूठा हो लेकिन जो सच बोलता है उसको उसके बारे में हमेशा कहेगा कि देखो कितना सच्चा आदमी है। जी 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 भले ही अपने झूठ को अपने आप को छुपाता हो लेकिन दूसरे को तो वो कहेगा ही कि वो अच्छा एक सच्चा लाजमी बात इंसान। है, सच्चाई में और खुशबू है, वो खुशबू महसूस होती है। वो बिल्कुल हमारा मकसद तो सिर्फ हमेशा इतना ही रहा है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं रहा। मुझे लगता है अच्छा नेक मकसद है, नवाजने चाहिए उन्हें और भी हमारे जैसे जो फनकार है। लेकिन अफसोस ये है कि खुद दास्तान गोई या इसकी जैसी और बहुत सारी आर्ट फॉर्म थी जो खत्म हो रही हैं। उर्दू का हाल बिल्कुल आपके सामने है, उसका नोहा तो फिर क्या ही पढ़े। तो उर्दू के साथ में जो हो रहा है, तो फिर दास्तान सियासी गोई के तौर साथ पर ये चीज अच्छी हुई कि 10, 12, 13, 15 साल जो है वो वापस से इसमें थोड़ा इम्पीटस आया और इस पे जोर दिया गया, तो लखनऊ में और दिल्ली में और जगहों पर भी धीरे धीरे करके आपकी तरह आर्टिस्ट जो है वो उभर के सामने आए। जी और जी अब तो कई शोज हो रहे हैं और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में अब शोज
मुसलसल हो रहे हैं, होते लेकिन रहते। अब यही है कि लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप उसको आलमी पैमाने पे देखें तो फनकार बहुत बहुत कम बहुत बहुत कम है, है। बहुत कम एक बार हम पेरिस बना रहे थे फेस्टिवल की, तो 10 से है। ऊपर हम जा ही नहीं सके, तो 10 फनकार भी मुश्किल हाँ से हैं। वो भी वो हैं जिस किसी को एक दास्तान याद है, किसी को सिर्फ दो याद है, जिनको सही ज्यादा है, दास्तान याद है तो वो तो फिर 3-4 हैं। लेकिन यह है कि अच्छा है, लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, तो डूबा तो सूरज कभी तो निकलेगा। और आपने अपने एंड पे ट्रेन करना, किसी को आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेन करना कुछ इस तरीके का शुरू किया है मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा, क्योंकि अभी इतना मशहूर भी नहीं है कि लोगों को इस बारे में अच्छे से मालूम हो, आर्टिस्ट भी ज्यादा। हम कह रहे हैं आपने आप कोशिश कर रहे हैं लोगों को आइडेंटिफाई करने की, इस तरह के आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करने की जो आगे जाकर इसकी बागडोर संभाल सके। मैं सिखाता हूँ, मेरे आते हैं लोग, सीखते हैं, ज्यादातर थिएटर के लोग हैं जो करते हैं, अभी भी सीख रहे हैं, पहले भी सीखते रहे हैं। लेकिन उनके साथ में मुझे जो महसूस होता है वो ये है कि वो आते हैं और एक फन के तौर पे सीखते हैं, फन मतलब एक कला के तौर पे, एक विधा के तौर पे, और कुछ अरसे करते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर वो या तो बॉम्बे चले गए हैं, अपने कामों में मसरूफ हो गए, या वो थिएटर ही कर रहे हैं। क्योंकि मसला ये है कि थोड़ा सा मेहनत मांगता है ये फन, क्योंकि एक अकेले आदमी को स्टेज के ऊपर लोग 1 घंटे तक सुने, तो उसको अपनी जुबान के ऊपर भी चाहिए, उसको स्क्रिप्ट भी चाहिए, उसकी अदाकारी भी ऐसी हो कि वो कहीं ड्रॉप ना हो, और वो लोगों को बांध के रखे 1 घंटे। क्योंकि लोग अच्छे अच्छे सियासतदानों को नहीं सुनते 1 घंटे, जो आके कहते हैं कि भाई हम तुम्हें 10,000 करोड़ दे देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, सड़क बना देंगे, उनको भी लोग थोड़ी देर में थक जाते हैं। तो कैसे दास्तान को इतनी देर तक लोगों को बांध के रखे बाकायदा, और इस ये फन जितने भी एकाकी कलाएं जितनी भी हैं, एकाकी एक अकेले फनकार वाली, वो तो सारा बहुत रियाज मांगती है। और रियाज जो है वो रियाजत है, और रियाजत फिर इबादत है, और इबादत को अपने दिलो जान से करना ऐसा कि वो तुम्हारी रूह में समा जाए, वो थोड़ा सा एक मुश्किल मरहला है। तो लोग थोड़ा उससे उकता जाते हैं, लेकिन मैं मेरे अक्सर ख्याल से लोगों को यही बहुत, कहता हूँ कि जी, नहीं, आपको कह तो मैं लोगों को अक्सर यही कहता हूँ कि मतलब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए 100 फल होए। तो यानी कि धीरे धीरे काम को करो, उसको साधो, जब अभी तुम 100 घड़े पानी डाल दोगे पेड़ में फल नहीं आएंगे, जब उसका मौसम आ जाएगा तो फल अपने आप आ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें, जब ताजमहल बनना था तो एक कारीगर आया, वो सारे दिन बैठ के वो मसाला पीसता रहता था सफेद चूना, जब कई दिन हो गए तुर्की से आया था तो बादशाह तक पहुंची शिकायत कि साहब मेहमान आपके यहाँ वो चूना ही पीस रहे हैं कई दिनों से, तो क्या हुआ? तो बुलाया शाहजहां ने उनको, कहा भाई क्या कर रहे हो तुम? तो कहा जी चूना पियो। कब तक पीसोगे भैया? वो ताजमहल बनने के बाद उसके ऊपर सफेद चूने का लेप किया गया था। तो उसने कहा जी पत्थर मंगाए आप काला संगमरमर, काला संगमरमर आया उसने रखा, और चुटकी में अपने वो चूना लिया उसने जो इधर मारा है उसको, तो वो पीछे तक पत्थर सफेद हो गया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको ऐसा पीस दिया है कि ये जहां जिस पत्थर पे लगेगा वो उम्र भर वैसे ही चांद के दूध की तरह से चमकता रहेगा। तो वो पीसा है ना, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहता है, तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, ये दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है, तभी क्या मिलता है। बात तो है, वो मेहनत है असल में, जो मेहनत लोग आमतौर इसमें, से नहीं कर और पाते। इसमें खैर आपसे बात करके इस बात का भी इल्म हुआ कि इसमें मेहनत सिर्फ वो नहीं है, मेहनत इसमें कई तरह की है। एक तो आपको लोगों को बांध के रखना है, आपको राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपका बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, जबान पे पकड़ पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपकी एक्सपर्टीज है तो उससे काम चल जाएगा, इसमें आपको दो हाँ चार चीजों पर अच्छी पकड़ चाहिए, ये नहीं एक तो ये चीज भी वाला मुश्किल काम हो जाता है लोगों के लिए। ये, क्योंकि दास्तान गोई कई विधाओं से, कई अलग अलग चीजों से मिलके गुलदस्ता बना है, इसलिए इसके ऊपर अगर आपके पास में स्क्रिप्ट किसी और के लिए ली बहुत अच्छी है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं उसको, तो भी वो लोग उससे फिर उकता जाएंगे। वो तो फिर ये है कि आप जाएंगे बैठ पढ़ लीजिए उसको, तो कुछ और
कर लीजिए। तो हाँ, ये कुछ अलग अलग विधाओं से मिलके बनी है। अब आपको हैरत होगी सुन के कि हम अपने थिएटर के जमाने में कर दास्तान को ही रहे थे, लेकिन कथक की मुद्राएं होती हैं जो हाथों से बनाई जाती हैं, हम वो सीख रहे थे। वो इसलिए कि जब स्टेज पे बैठे तो पता तो हो कि क्या क्या हो सकता है, क्या हम बैठ के ही सुना रहे हैं, सलीके से सुना रहे हैं, लेकिन पता तो, फिर वॉइस मॉड्यूलेशन है, अलग अलग करेक्टर्स जब आ रहे हैं। मेरी एक दास्तान है हजरत अमीर खुसरो की जो है, उसके अंदर 7 बादशाह आते हैं दिल्ली के, और मुजफ्फर अली साहब ने वो प्रोग्राम किया था हुमायूं के मकबरे में, तो 7 अगर बादशाह हैं तो, और फिर 8वें अमीर खुसरो, और 9वां जो है वो जो नरेटर है जो कहानी सुना रहे हैं। तो अब अगर 9 करेक्टर आपके सामने है तो सुनने वाले अगर आंखें बंद कर लें तो कान से उनको लगने चाहिए कि ये 9 लोग हैं, ये ना लगे कि एक ही है। उसके लिए फिर आपको वॉइस मॉड्यूलेशन चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए, कमांड चाहिए, आपके अंदर एक्टिंग का पार्ट भी होनी चाहिए। स्टेज आर्ट एक अलग चीज है, कैमरा एक आर्ट अलग चीज है, वो समझ। तो चीजों से मिलके बनी है, इसीलिए शायद इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। मैं कलाम साहब की दास्तान सुना रहा था अहमदाबाद में, 40 मिनट का वक्त था, यूट्यूब पे वीडियो आप देखिएगा, 40 मिनट की दास्तान पूरी हो गई, 4,000 की ऑडियंस थी, वो खड़ी हो गई, तालियां बजाते रहे, उन्होंने कहा हमें और सुननी है, और सुननी है, और सुननी है, और मैं चला गया उठ के, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने बहुत शिद्दत से कहा था कि आप बिल्कुल आगे मत बढ़िएगा। मैं जब पीछे चला गया हूँ तो ऑर्गेनाइजर आए, मुझे कहा कि भाई जाइए स्टेज पर और सुनाइए जितनी देर आपने सुनाना है। तो 1.5 घंटे तक मैंने बैठ के वहां पे दास्तान सुनाई, दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम के अंदर मैं दास्तान सुना रहा हूँ, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, और आप उसको देखिए कि वो हेलो। शायद उस फन की खूबी है। जी बिल्कुल, वो तो सुनाने के अंदाज में बहुत कुछ मैटर करता है, इसीलिए मेरे ख्याल से इतनी तारीफें, इतने अवार्ड्स और इतने इज्जत से आपको नवाजा गया है, क्योंकि आप अपने फन के ऊपर जो है महारत रखते हैं। सो बहुत खैर, शुक्रिया। दास्तान गोई की तो हमने बहुत सारी बात कर ली, उसके अलावा आप बात करें भी क्या आपसे बड़ा मुश्किल होता है जब किसी ऐसे शख्सियत से मिलो हमारे तो उनसे पास तो काम के बारे में ही फसाने और बात अफसाने ही अफसाने हैं। लेकिन उसके अलावा क्या शौक रखते हैं? लिखने और सुनाने के अलावा भी कोई शौक रखते हैं? नहीं, पढ़ने मेरे का शौक शौक तो बस तो जाहिर है यही कि है, होगा। पढ़ने का शौक है मुझे, मैं ज्यादा टाइम पढ़ता हूँ, पढ़ता रहता हूँ अक्सर, तारीख की चीजें ज्यादातर निकालता हूँ, वो ज्यादातर कोशिश करता हूँ उससे, फिर लिखता रहता हूँ, क्योंकि लिखने का जो एक मरहला है वो काफी लंबा है, तो उसको लिखता रहता हूँ। और लिखने में ये होता है कि जो हमारे किरदार हैं, ये बात मुझे वैसे ही याद आ गई, हर किरदार के साथ इंसाफ जब ही हो पाता है जब आप उसके साथ वक्त गुजारते हैं, कोई भी किरदार हो। जैसे मैं एक दास्तान लिख रहा था, उसमें एक थी रकासा, थी ऐना उसका नाम था, वो जासूसी के लिए आती है, तो मैंने उसमें एक चीज लिखी उसके बारे में, और जब हम उस किरदार के साथ रहते हैं तो वो मुझे कई बार याद है कि वो ऐना ने ही मुझसे कहा कि भाई तुमने मेरे बारे में ये बात क्यों लिखी है, तुम मेरे अंदर थी नहीं, तुमने इस चीज को क्यों डाल दी सिर्फ अपने मजे के लिए, तुम अगर इसको ना बताओ लोगों को तो भी तो तुम्हारी दास्तान अच्छी रहेगी। मैं सोचा, मैंने कहा नहीं, बात तो ठीक कह रही है ये, तो उसको फिर निकाल। मुझे हैरत होती, लोग मंटो के बारे में कहते हैं कि मंटो अपने किरदारों से बातें करते थे, बातें करते, भाई किरदार से बात नहीं करोगे तो उसे समझोगे कैसे उसके साथ। मुझे बड़ा अच्छा याद है, एक बार हमारे उस्ताद ने कहा था, मैं अमीर खुसरो की दास्तान सुना रहा था कि करेक्टर को कैसे फील करें, तो उन्होंने कहा कि तुम खुद को सोचते कमरे में बैठ के कि तुम अमीर खुसरो के दौर में हो, वही बादशाह है, वही आवाम है, वही, तो तुम्हें लोगों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे, तुम उसको फील कर पाओगे। तो ये जो प्रोसेस है अपने करेक्टर्स को फील करना, उनसे बातें करना, उनको समझना, तभी मुझे लगता है कि शायद लिखने में वो ईमानदारी आ पाती है, और लोग हमारे उन किरदारों से ईमानदारी से मिल पाते हैं। मेरी अक्सर जो फिक्शनल स्टोरी है, लोग सुनते हैं तो कहते हैं भाई क्या कहानी है आपने, बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाने की, यार ये बात होती है, दिल पे लगती है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा सच्ची थी, लिखी भी मेरी है इस तरह से, तो सच्चाई आपको बहुत सारी फिक्शन में मिलेगी। तो उसके लिए फिर उन किरदारों के साथ वक्त गुजारना, उनसे बातें करना, उनसे मिलना, या फिर ये है कि पढ़ते रहना, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारा जो आदमी पढ़ेगा तभी थोड़ा लिख पाएगा। अभी लोगों में महारत आ गई है, पढ़ते हमें लिखते जाते हैं, वो महारत हमारे अंदर आई वो नहीं। अब उतना फुर्सत नहीं है किसी के पास कि कोई पढ़े कुछ भी, बल्कि ना पढ़े वो तो अब YouTube पे हमने एड्स देखे बकायदा कि आते हैं कि वो
एक हफ्ते में 7 किताबें कैसे पढ़ डालें और 10 दिन में पता नहीं क्या कर डालें और साल भर में 300 पैसे दस दिन में एमबीए बना भी लें। कर हाँ सकते हैं, मैंने सुना, जरूर तो जरूर अब तो खैर जी। लोगों ने तो हद पार कर दी है सारी की सारी, उसके बाद में बात करनी मैं आपको आखिरी बात बेकार बताऊं, हो। मेरे पास एक का मैसेज आया और उन्होंने कहा कि हमें दास्तान को ही सीखनी है, तो आप कितनी फीस लेंगे और हम कितने दिन में दास्तान को बन जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा जी पहले मैं बन जाऊं, जब मैं बन जाऊंगा तब मैं आपको बुला के बताऊंगा इतने दिन में बने, भी हम तो नहीं बन पाए। तो मैं बिल्कुल यकीन कर सकते हैं कि इस तरह के मैसेज वो आपके साथ ये अक्सर होता होगा, कहीं भी खड़े हैं शादी ब्याह में पार्टी में और आदमी कह रहा है वैसे बोल के दिखाइए, वो बोल के दिखाइए, वो आती किस्सा सुना के दिखाइए, इस तरह की रिक्वेस्ट आती होंगी तमाम सारी आपके हैं लोगों को, अक्सर करते हैं, तो फिर यही करते हैं कि पास जैसे आपसे बात करते करते छोटे छोटे किस्से सुना दिए, ऐसे ही सुना देते हैं, अदरवाइज दास्तान कोई तो लॉन्ग नरेटिव का नाम है, तो लंबे किस्से होते हैं, लंबी बातें होती हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं है इस तरह आवाम में सुनाना। तो हम कहते हैं शो देखने आइए आप हमारा, घट लेके आइए, नहीं आ सकते तो YouTube पे देख लीजिए, बहुत सारी वीडियो है दास्तान करेक्ट गोई की, अच्छी लगे तो करेक्ट दूसरी भी देख लीजिएगा, बुरी लगे तो दुश्मन को भेज दीजिएगा, बुरी चीजें देखो। तो ऐसे बोलते हैं फिर। मुझे लगता है कि ये जो इस तरह के जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनमें अगर लोग मतलब शिरकत करें, जाकर सिर्फ देखें, एज ऑडियंस बैठ के देखें, तो उसकी वजह से उनके ऊपर खासा असर पड़ता है और बहुत सी दफा उनका जो दिमाग का फितूर है, मतलब फितूर इन द सेंस, मैं सिर्फ फितूर कोई उल्टी सीधी बात के लिए नहीं कह रहा हूँ, फितूर ये भी कि दिमाग जो हर वक्त चलता रहता है, हर वक्त उलझनों में उलझा रहता है, उससे भी आदमी को बाहर निकल के आने का मौका मिलता है। हालांकि आदमियों ने तो फिल्में पकड़ ली है कि कुछ जी हुआ तो जी बस देख लो, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मों में वो मजा नहीं मिलता है वो, क्योंकि फिल्मों में ऑलरेडी सारी पकी पकाई चीजें सामने दिख जाती हैं, मिल जाती हैं, और जो आवाज की बात होती है वो अलग ही होती है जो जी ऑडियो से, क्योंकि मैं रेडियो से हूँ तो मुझे लगता है कि जो आवाज से एम्बियंस क्रिएट होता है, एटमोसफियर क्रिएट होता है, वो विजुअल से नहीं हो सकता कभी भी उतना ज्यादा। बहुत और फर्क है, लाइव आर्ट्स इसलिए जिंदा है, हमारे यहाँ स्टेज के ऊपर कथक होता है, देखिए भरतनाट्यम होता है, क्लासिकल लोग गाने वाले मौजूद हैं, तो फिर तो शोज ही बंद, क्योंकि जो लाइव में जो जो हमारी फीलिंग होती है जब वो हमारी ऑडियंस तक जाती है, तब वो जो उसको महसूस कर पाते हैं वो आके ही महसूस हो सकता है, वो जिसको हम कहते हैं ना महफिल समा कवाली को कहा जाता था इसीलिए, क्योंकि वो फीलिंग्स जो उसका जो जज्बा है, जो एहसास है, वो एक दूसरे में ट्रांसफर, तो महफिल में तो आना पड़ेगा अगर समय को महसूस करना है। देखिए इंदौर से कोई आपको इनवाइट कर रहा है, किसी ने लिखा कमाल है कि से इंदौर में इंतजार कर रहा है आपका, किसी ने लिखा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए, खैर ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत बता दीजिए, किसी पर दिल अटका आपका कि नहीं अटका? पर्सनल लाइफ में मेरी खास कुछ है नहीं, पर्सनल लाइफ मेरी ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ में रहता हूँ, महबूबा मेरी बीवी मेरी हयात दास्तान गोई है, उसके अलावा जिंदगी में कभी किसी के आने की जगह यूं नहीं रही, क्योंकि हमने इसको इतनी शिद्दत से चाहा है कि बाकी सारी जगह औरों के लिए खत्म हो गई, तो पर्सनल लाइफ यहाँ से शुरू होती है यहाँ खत्म हो जाती है, शौक वाह हमारे दास्तान गोई है, दास्तान सुनाना है, लोगों को किससे सुनाना है, दुनिया भर में घूमते रहते हैं आवारा अगर मशहूर। तो ये है हमारा नन्ना सा फसाना, और पर्सनल में क्या बता सकता हूँ। बहुत खूब। तो हालांकि आपसे कुछ सुना सकें तो सुना दीजिए, हालांकि आपने कुछ बहुत कुछ सुनाया है बीच बीच में अपने अंदाज में, लेकिन कुछ छोटा सा अगर आप प्रेजेंट कर सकें तो अच्छा रहेगा, कुछ भी छोटा सा कोई भी किस्सा वाक है, सुनाने जैसे का मैं आपने वो आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा है जो हम अक्सर सुनाते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया सफर पे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं दरिया के किनारे, उनके कांधे पे मूर्तियां हैं और वो कुछ अपनी धुन में गाते हैं, तो उन्होंने हजरत अमीर खुसरो से पूछा, खुसरो ये लोग क्या गाते हैं, देखो ये सदा इनके दिल से आती है, हुजूर मेरे आका ये लोग भजन गाते हैं,
और अपने ईश्वर को याद करते हैं। खुश रहो, हर कौम रास्त राहे दीने व किबला का है। खुसरो ने कहा, मन किबला रोस करदम बर समते गज कुला है। यानी कि हजरत नामुद्दीन औलिया ने कहा, वो सूफी वो दरवेश जिसकी बादशाही आज भी दिल्ली पे कायम, और उसकी कही बातें कि हर कौम हर मजहब के लोग अपने सीधे रास्ते पे हैं, वो सच्ची राह पे जाते हैं। तुम किसी को कमतर ना जानो, तुम किसी को बुरा ना कहो। और खुसरो ने कहा, मन किबला रोस करदम बर समते कुछ बुला है, कि ये बात मानने में जरा टेढ़ी है कि मैं एक बात को मानता हूँ, दूसरा भी सही है, लेकिन जैसा आपकी ये टोपी तिरछी है, ये बात भी तिरछी है, लेकिन मैंने मान के अपना किबला इधर ही दुरुस्त कर लिया, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। और जो इसको मान लेगा वो अमन में रहेगा और वो सुकून में रहेगा। हजरत अमीर खुसरो ने इसकी बंदिश बनाई और वो नाचते गाते शहर शहर जाते और लोगों को सुनाते। खुसरो नहीं नाचते थे, मतलब घूमते फिरते लोगों को सुनाते। तो सूफियों का यही पैगाम, किसी को कमतर ना जानो, किसी को बुरा ना जानो, किसी को हकीर ना कहो, कि सबके दिलों में वो ईश्वर बसता है, कि वो खुदा यूं ही तो कहता है कि मैं हर किसी के दिल में हूं। तू मुझे पुकार तो सही बंदे, तो जो सबके दिलों में है वो सबका है, और हम सब उस एक के हैं। सो एक हो जाएं, एक धारा एक सूत्र एक मंत्र में बन जाए, कि जो सबको जोड़ के एक कर दे। यही सूफियों का पैगाम, यही दास्तान सुनाने वालों। क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। तो साहिल कहे तो महफिल खत्म हो रही है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप आप मुझे कुछ आपके ना बगीचे चलिए कहें, सिर्फ दास्तान को कहें, आपका पूरा मेरा नाम कार्य लेते हैं, सैयद तो इतना ही साहिल आगा काफी है। साहब, सैयद साहिल आगा साहब साहब तो पता नहीं कहाँ रह गए, सैयद साहिल आगा जरूर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बहुत नवाजिश। मजा आया। वाकई में बहुत दिनों बाद इतना मजा आया और आप जैसे इंसान से मुलाकात करके जो है वो दिल खुश हो गया। शुक्रिया मुझे बहुत आपसे बहुत। बात करके बहुत मजा आया, क्योंकि आमतौर से अब जो जर्नलिस्ट मिलते हैं तो उनको ना सवालों की तैयारी होती है, ना उनको सब्जेक्ट का पता होता है, और आप जितना आप मालूमात आपको है इस फन के बारे में, और आपने मेरे बारे में भी देखा, और जितना साफ अल्फाज और तौर पे आप बोलते हैं, ऐसे बोलने वाले लोग आप कम मिलते हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक, और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा, बहुत शर्फ महसूस हुआ। आपकी और अशरो साहबा को बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी तंजीम को शुक्रिया कि मुझे याद करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे और हो सकता है कि इस बार कभी आपको देखने का भी मौका मिले। इस बार जरूर जब भी आपका जरूर, प्रोग्राम कुछ होगा, नसीब अगर लखनऊ नहीं। में हुआ तो बिल्कुल, और अगर दिल्ली में भी हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ मौजूद रहूँ। शुक्रिया बहुत मेरी बहुत, खुशियां, थैंक यू, थैंक यू सो बहुत शुक्रिया। मच। तो इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक की हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सही साहब।